AI का टेलो ड्रोन। आज हम इस टेलो ड्रोन की वीडियोग्राफी टेस्टिंग करेंगे, हाइट टेस्ट करेंगे। हमने अपने टेलो ड्रोन को फ्लाई के लिए रेडी कर लिया है और अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया गया है, ये जो बटन है दोस्तों, ये वाला, इसको आपको मैन्युअली प्रेस करना है। जैसे आप एक बार प्रेस करेंगे, इसके कैमरे के पास इस तरह की लाइट जलने लगती है। अब ये फ्लाई के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपने फ़ोन के वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर टेलो ऐप के माध्यम से हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम वाईफाई को ऑन कर लेंगे। वाईफाई को ऑन करने के बाद हम वाईफाई की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं टेलो DC41AC ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको टेलो ऐप के माध्यम से कंट्रोल करेंगे। टेलो ऐप को आप सीधा प्ले स्टोर से DJI टेलो, इस तरह की दोस्तों ऐप होती है, हमारी पहले से इंस्टॉल है इसलिए हम सीधा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अगर आपको कभी भी टेलो ऐप जब आप खोलते हैं आपको आपका ड्रोन कनेक्ट हुआ नहीं मिलता है, तो आपको अपनी ऐप को बंद कर देना है और फिर दोबारा से आपको क्लोज करने के बाद इस टेलो ऐप को खोल लेना है। अब जैसे ही आप टेलो ऐप खोलेंगे वैसे ही अब आपको ड्रोन बिल्कुल कनेक्ट मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे बैटरी फुल दिखा रहा है, कनेक्टेड का वो भी आ गया था कनेक्ट है और बैटरी फुल दिखा रहा है। अब हम दोस्तों इस ड्रोन की आपको वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे, साथ में कंट्रोल कैसे करते हैं ये भी दिखाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। अब हम दोस्तों अपने ड्रोन को उड़ाते हैं। ये हमारा ड्रोन टेक ऑफ कर चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह यह हमें रिकॉर्ड कर रहा है। अब दोस्तों हम इसको इस मोड के माध्यम से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए किस तरह दोस्तों ये हमें रिकॉर्ड कर रहा है। दोस्तों वीडियो क्वालिटी तो इतनी कोई ख़ास आ नहीं रही है कि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया इसकी वीडियो क्वालिटी है, लेकिन हाँ ठीक है। देखिए आप दूर हमें लेता जा रहा है, इतना दूर तक हम दोस्तों इसके माध्यम से चले गए हैं, इतना दूर तक हमें रिकॉर्ड कर रहा है। अब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये देखिए हम दोस्तों इसकी कैमरे की रेंज से दूर हो गए हैं। अब हम खुद को पहले ले आते हैं, कहाँ हैं हम, थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, थोड़ा दूर हो गया ये। अभी देखिए हमारी तरफ थोड़ा नज़दीक आ गया, अब हम इसको अपनी तरफ कर लेते हैं। ये हमारी तरफ आ गया, अब दोस्तों हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखिए इतना ये हाइट कवर करता है, ये देखिए कितना दूर तक का इलाका इसे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कितने हाइट तक ये आ चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है 10 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर, लाइव देख सकते हैं पूरा, काफ़ी हाइट तक ये जा चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको अपने नज़दीक अपनी तरफ ले आते हैं। अब दोस्तों ये एग्जैक्टली हमारे ऊपर आ चुका है, अब हमने इसको स्टेबल कर दिया है। अब हम इसको और ऊपर तक ले जाते हैं। दोस्तों 30 मीटर के हाइट तक जा चुका है और वीक सिग्नल का नोटिस आ गया। अब हम इसको नीचे की तरफ ले आते हैं, थोड़ा नीचे धीरे धीरे आ रहा है। ये हमारे पास आ चुका है, देख सकते हैं। हम इसको वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ आ गया, ये देखिए कैसे जा रहा है। हम इसको घुमा देते हैं थोड़ा, अपनी तरफ ले आते हैं, ये देखिए जा रहा है। चलो भाई
हम इसको ऐसे वापस ले आएंगे। अब इसको हम अपनी तरफ घुमा लेते हैं। अपनी तरफ घुमा लिया, अब हम इसे अपनी तरफ ले आते हैं। अब हम इसको हाइट पर ले जाते हैं। हम इसको नीचे ले आते हैं। देखिए इस तरह जा रहा है। अब हम इसको इस तरह, अब हम अपनी तरफ ले आएंगे इसको, इसका मुंह अपनी तरफ करके। देखिए उड़ रहा है, अब हम इसको अपनी तरफ ले आते हैं। ये देखिए अब हमारा ड्रोन सीधा पेड़ से टकरा गया, इसलिए ड्रोन को उड़ाना इतना आसान नहीं है। आप जब भी ड्रोन लें तो सबसे पहले आप सस्ता ड्रोन ही लें, जिस तरह मैंने DJI का टेलर ड्रोन लिया है, क्योंकि ड्रोन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, इतना आसान नहीं है ड्रोन को ना सीखने की वजह से और ड्रोन को एक्सपीरियंस ना करने की वजह से बहुत सारे लोग अपने महंगे महंगे ड्रोन्स को गंवा चुके हैं। इसलिए सबसे पहले आप एंट्री लेवल ड्रोन ही ख़रीदें अगर आप ड्रोन लेने के इच्छुक हैं, क्योंकि ड्रोन उड़ा सीखने के बाद ही अगर आप ड्रोन को उड़ाएंगे तो बेहतर रहेगा, वरना जिस तरह मेरा ड्रोन अभी पेड़ से टकरा गया था, इस तरह आपका ड्रोन पेड़ पे अटक भी सकता है, क्योंकि ड्रोन बहुत ही तेज़ी से मूव करता है और कई बार हवा की वजह से भी ड्रोन की स्पीड बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं हमने ड्रोन को थोड़ा सा हाइट पर ले लिया है और आप इस ड्रोन से वीडियो फुटेज देख सकते हैं इसकी 5 मेगापिक्सल कैमरे की क्वालिटी के हिसाब से और इसकी प्राइस के हिसाब से। इस कैमरे की जो क्वालिटी है वो हमें ठीक लग रही है, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इसकी क्वालिटी बेकार है, बकवास है, लेकिन ठीक है और आप इस ड्रोन को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं एक बार और मैं इस ड्रोन को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, इस समय कैमरे का मुंह मेरी तरफ है और मैंने सीधा सीधा कैमरे के पीछे वाली कमांड दी है, मतलब जो लेफ़्ट साइड में कमांड होती है, राइट साइड में जो कमांड होती है, राइट साइड की कमांड के हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये देखिए दोबारा से हमारा ड्रोन पेड़ में टकराने से बच गया है। तो ड्रोन को उड़ाना एक्चुअल में इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टास्क है ड्रोन को उड़ाना। अब हमने ड्रोन को लगभग अपने नज़दीक ले लिया है और अब हम बिल्कुल निचले इसको फ्लाई कर रहे हैं और आप देख सकते हैं फुटेज इसकी काफ़ी ठीक ही आ रही है, प्राइस के हिसाब से घटिया तो नहीं कह सकते हैं। शुरू में तो हमें घटिया लग रही थी लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी अब इसकी इम्प्रूव हो रही है, तो इतना कहा जा सकता है कि इस ड्रोन के कैमरे का परफॉर्मेंस
रोशनी के हिसाब से घट बढ़ जाता है, लेकिन अगर प्राइस के अकॉर्डिंग इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री आप कह सकते हैं। और इस ड्रोन के साथ आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ड्रोन इतना ज़्यादा अच्छा से कंट्रोल होता है कि इसका कोई सानी नहीं है। सस्ते ड्रोन तो इस ड्रोन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। और इसकी जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, 30 मीटर तक, जैसा मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये आराम से चला जाता है। साथ ही अगर इसकी बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी जैसा कंपनी दावा करती है 13 मिनट, तो दोस्तों मुझे एक्चुअल में 13 मिनट का ही बैकअप इसमें मिला है। लेकिन मैंने इस ड्रोन को अभी तक फास्ट मोड में नहीं उड़ाया, मैंने केवल स्लो मोड में उड़ाया है, क्योंकि स्लो मोड में ही ड्रोन इतना तेज़ उड़ता है कि मुझे फास्ट मोड में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये जो ड्रोन है इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और मैंने अब इतनी वीडियो इससे बना ली हैं जो आप लाइव देख रहे हैं। जिस तरह की ये वीडियो इस समय दिखा रहा है, एक्चुअल में इस तरह की वीडियो ये प्रोड्यूस करता है। इस समय ये जितनी भी आप फुटेज देख रहे हैं सारी की सारी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की हैं, और एक्चुअल में इस ड्रोन की जो फुटेज थी वो भी मुझे ऐसे ही मिली थी। तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया स्क्रीन रिकॉर्डर की वीडियो दिखा रहा है तो ज़्यादा क्लियर दिखती है, नहीं दोस्तों, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर में हमें इसकी इमेज दिख रही है, वीडियो दिख रही है, एक्चुअल में भी इसी तरह की वीडियो हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं लाइट के हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है वो घट बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से ये ड्रोन आप ले सकते हैं, मैं तो दोस्तों इसको आपको कहूँगा, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी सस्ता है। इसके बाद अगर अच्छे ड्रोन की बात करेंगे तो सीधा 50 से 60 हज़ार में आता है। इस हिसाब से ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है, और ड्रोन चलाना सीखने के लिए भी ये ड्रोन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप इस ड्रोन के साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं और इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा रोशनी का ध्यान रखना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमें विभिन्न तरह के नीचे की तरफ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हैं रेड कलर का नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर लो बैटरी का नोटिफिकेशन आया है, तो इन नोटिफिकेशंस का हमें ध्यान रखना है। ये पीले वाले नोटिफिकेशन का हमें स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि पीला नोटिफिकेशन बैटरी के लिए होता है। अगर बैटरी का हमें नोटिफिकेशन आ गया है तो जल्द से जल्द हमें ड्रोन को अपने नज़दीक ले आना है, क्योंकि अगर इसकी बैटरी वीक हो जाती है तो ये सीधा ही जिस पोजिशन में होता है उसी पोजिशन में नीचे की तरफ लैंड कर जाता है। तो इसलिए आपको जैसे ही आपकी बैटरी का पीले कलर का सिग्नल आना शुरू हो जाए तो आपको इस ड्रोन को अपने ऊपर ले आना है, क्योंकि जैसे ही इसकी बैटरी वीक हो जाएगी तो ड्रोन अपने आप लैंड हो जाएगा, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमारा जो ड्रोन है अपने आप ऑटोमेटिकली लैंडिंग करता है। यहां मैं ड्रोन को अपने पास ले आया हूं और इसको मैं उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे लास्ट मोमेंट पे रख दूँगा, ये उस पोजिशन में ही अपने आप लैंड हो जाएगा। ये देखिए हमें इस पोजिशन में ले आया हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं क्रिटिकली लो बैटरी द एयरक्राफ्ट इज़ लैंडिंग, देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली ये लैंड हो गया। इस ड्रोन में अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप बैटरी की नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको 19% पे, 20% पे, 25% पे, जैसे आप सेट करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप पता लगा पाएंगे कि आपकी बैटरी वीक हो गई है और आप अपने ड्रोन को नज़दीक बुला लेंगे। तो मैंने तो 19% पे सेट की हुई है। अगर आप इस ड्रोन से रिलेटेड अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।